सो गाइस टुडे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप शुरू से ही एमबीबीएस करना चाहते थे पर अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी जो आपका रीज़न रहा होगा, मैं जानता हूँ कि एमबीबीएस में सिलेक्शन होना इतना आसान बात नहीं है, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आपके पास कौन कौन से कोर्सेज बचते हैं। या तो आप बीपीटी कर लो, मतलब कि फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बीएमएस कर लो, या फिर आप कर लो बीएचएमएस, या फिर आप चले जाओ वेटनरी में जो कि एनिमल डॉक्टर रहते हैं, या फिर आप जा सकते हो हमारे फिजियोथेरेपी बी फार्मा भी में भी आप जा सकते हो, बी फार्मा आप कर सकते हो। तो ये कुछ गिने चुने ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो इनमें से जो आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है वो आप कोर्स चूज करिए। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो कोर्सेज है ये किसी भी वे में जो है एमबीबीएस से कम नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है, मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जो है पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं हमारे वहाँ आसपास भी जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं मैंने देखा काफ़ी सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने जो है कुछ मेडिसिन और कुछ जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर बनते हो तो आप उस फील्ड में आराम से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए अगर आप कोई भी बीएमएस कोर्स भी कर रहे हो या फिर आप अपना जो बी फार्मा कोर्स कर रहे हो, तो अगर आपने बी फार्मेसी कोर्स ही आपको जो 3-4 साल का जो कोर्स है अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ कि आपको एक अच्छी जॉब तो लगी जाएगी और जॉब के साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। तो देखिए जो हम डॉक्टरी प्रोफेशन जो अपना मानते हैं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है तो हम उसको सिर्फ एमबीबीएस तक सीमित कर देते हैं कि एमबीबीएस एमबीबीएस और एमबीबीएस, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी आपके पास जो हमारे पास जो ऑप्शन है बीएमएस जैसे है हमारा बीएचएमएस है, तो ये भी डॉक्टर्स ही है, ये वो अलग से नहीं, ये भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंडिया के बहुत अच्छे डॉक्टर्स है कई सारे जो बीएमएस और बीएचएमएस करे हुए ही है। तो देखिए जो हमारा जो नया जो एक जो अब एक जो नॉर्मल जो सोच है उससे आप उनको आगे बढ़ के सोचना होगा। क्योंकि आज से जो आप इमेजिन करिए कि 30 साल 30 ईयर्स लेटर क्या होने वाला है, आप उस सिचुएशन को इमेजिन करके अपना कोर्स चुनिए। 30 ईयर्स लेटर आपको क्या लगता है कि जो मेडिसिन रहेगी वो आजकल की जो मेडिसिन से वो काम करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो आजकल की जो मेडिसिन से वो काम करेगी। हमको लौट कर वापस से जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ आना ही होगा, क्योंकि आजकल की मेडिसिन जो है वो उनके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो एक पैदा होते आ रहा है बैक्टीरियाज में। अगर आप थोड़ा भी साइंस जानते हो तो आप जानते होंगे कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उसके कारण जो हमारी जो मेडिसिन है वो काम नहीं कर रही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आने वाला फ्यूचर है वो हमारा आयुर्वेदा और बी फार्मा में, जो आपका अगर आप बी फार्मा भी कर रहे हो तो उसमें भी जो आपका हमेशा जो आपको मेडिसिन है वो तो हमेशा लगेगी ही लगेगी। तो मेडिसिन हमें हमेशा आपको जो सप्लाई हमेशा बना रहेगा। तो ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके जो दूसरे स्किल्स है कंप्यूटर स्किल्स पे, और बहुत सारे स्किल सेट होते हैं हमारे पास। अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, बढ़ाते जाते हो तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे आप जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनको भी बीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे देखा है कि काफ़ी सारे जो है हमारे जो दूसरे कोर्सेज करने वाले जैसे कि बीपीटी, अभी जो मेरे रिलेटिव है उनका जो ऑपरेशन हुआ था तो बीपीटी डॉक्टर ही आए थे वहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, तो उनका भी चार्ज जो था वो सेम था एज कम्पेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर। तो फिजियोथेरेपी भी कोई एक छोटा कोर्स नहीं है, तो फिजियोथेरेपी में भी आप अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो अगर आपके काम में दम है। तो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपके जो काम में दम है, अगर आपका जो वर्क है वो क्वालिटी वर्क है और जो अपने काम को आप अच्छी तरह से जानते हो, तो जो आपका जो फील्ड और जो आपका जो एरिया ऑफ वर्किंग होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी के साथ साथ जो आपका प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप अपना चाहते हो कि आप अपना प्रॉफिट बढ़ाओ और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़े, तो अपने वर्क को इम्प्रूव करिए। अगर आपने अपना वर्क इम्प्रूव कर लिया तो प्रॉफिट तो अपना भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें जो सैलरी देती है जो गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर को, इट इज़ सेम एज इट इज़ गिवन टू बीएमएस डॉक्टर एंड इट इज़ सेम एज इट इज़ गिवन टू बीडीएस डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, इट इज सेम एज गिवन टू बी एच एम एस डॉक्टर। तो जब गवर्नमेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही कि बी एम बी बी एस अलग है, बी एम एस अलग है, बी डी एस अलग है, और वेटनरी वालों को भी सेम जो है सैलरी मिलती है, तो आप क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? जब अर्निंग आपकी सेम है आपको गवर्नमेंट दे रही है तो आप क्यों अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो? अगर आपकी लर्निंग सही है तो आपकी अर्निंग तो सही हो ही जाएगी, लर्निंग सही होना चाहिए भाई। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग तो आ ही जाएगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने भी आपको जो सैलरी दे रही है वो गवर्नमेंट सैलरी सेम है जो भी डॉक्टर्स है, बीएमएस बीएचएमएस एमबीबीएस की भी, सबकी गवर्नमेंट सैलरी सेम है। और मैं आपको अब एक ग्राउंड लेवल की बात बताता हूँ कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनको भी आजकल जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ, तो अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस करा है तो आप सिर्फ एक जनरल फिजिशियन हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं हो। जनरल फिजिशियन की कैटेगरी में आपको रखा जाता है क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि
कि हमारे वहाँ अगर किसी को भी कोई भी बीमारी होती है तो एमबीबीएस के पास कोई भी जाना प्रेफर नहीं करता है। सब लोग जो है स्पेशलाइजेशन में जाते हैं एमडी और एमएस में। तो अगर आपने एमडी और एमएस नहीं करा है एमबीबीएस के बाद तो आपकी इतनी कुछ खास वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एमबीबीएस करने के बाद भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई जो है सोने का आपको चम्मच ला के देगा और आपको बोलेगा कि ये लो जॉब ले लो। ऐसा नहीं है भाई, एमबीबीएस में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है। आप एमबीबीएस करोगे तब आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस करना कितना कठिन है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे कोर्सेज करना आसान है, पर एमबीबीएस करना काफ़ी मतलब दूसरे कोर्सेज से काफ़ी कठिन है। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी है वो कोई इतनी खास नहीं है। उसके बाद आपको एमडी और एमएस करना बिल्कुल आवश्यकता है, और उसके लिए भी अलग से सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो आप क्या जिंदगी भर टेस्ट ही टेस्ट देते रहोगे दोस्तों? कितनी एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे आप? तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं जिंदगी में कि आपको किधर जाना है। हमेशा आपके पास दो रास्ते रहते हैं, एक बार एक तरफ जहाँ पे जनता जा रही है एमबीबीएस 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 बीडीएस बीडीएस, या फिर जहाँ पे आपको जाना है कि आप अपना वेटनरी कर सकते हो, या फिर आप अपना जो बीपीटी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो ये जो कोर्सेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब भी डॉक्टर्स रहते हैं, पर जो है इनका जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटीज जो है पॉसिबिलिटीज ऑफ इनकम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ योर ग्रोथ आर इन्फाइनाइट, जस्ट इन्फाइनाइट। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज इन्फाइनाइट, और इसमें जो एक फाइनाइट ग्रोथ होगी आपकी, अगर आप फील्ड में इतना अच्छा काम नहीं करते तो डायरेक्टली आपको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। और आप देखते ही हो कि आजकल एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ क्या क्या जो न्यूज़ आती रहती है कि उनको जो मार रहे हैं, एकदम उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है जो सोसाइटी में भी। तो आप क्या चाहते हो, आप अपने स्किल्स पे डिपेंड करके आप अपना जो आपका जिस तरफ इंटरेस्ट है आप उस तरफ जाइए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और किसी के भी प्रेशर में आके जो डिसीजन मत लीजिए, जो आपका दिल बोलता है वही करिए। क्योंकि देखिए ये पूरे लाइफ का सवाल है, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, देखिए आप 67 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोल रहे हैं, तो अभी आपकी जो उम्र होगी वो 20 साल हो गई होगी। मतलब मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि 20 साल जो आपकी उम्र हो गई होगी, तो आपने 20 साल तो ऑलरेडी काट लिए, तो 20 साल इज ओवर। अब जो आपके जो 47 ईयर्स बचे तो आपको उसको कैसे एक्सपेंड उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये आप सोच लीजिए। तो आप क्या चाहते हो कि आप जो एमबीबीएस की रेस में लग के हमेशा जो इधर उधर धक्के खाते रहो, या फिर अपना कुछ अलग से पाथ बनाओ, अलग से जो अपनी राह पे चलो और फिर एक्सप्लोर करो कि आपने क्या करा। सुनो भाइयों, अगर आप मेरी बात एक सुन लो, लास्ट बात है कि अगर आप फेल भी हो गए, जो अलग रास्ते पे जाके आप फेल भी हो गए, तो आपको ये तो लगेगा कि मैंने ट्राई करा था यार। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई बेस्ट टू द लाइफ। सो आपको ये लास्ट तक लगेगा कि यार मैंने अपना बेस्ट करा दूसरी फील्ड में जाकर भी, मैं भेड़ चाल में नहीं चला अपनी जिंदगी में। तो आपको यही लगेगा लास्ट तक कि यार मैंने अपना जो भी था फुल एफर्ट डाला और फुल अपनी जो क्वालिटी थी वो दी। और मैं अगर आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, मैं तो 100% बोल सकता हूँ कि अगर आपने अपना जो 100% क्वालिटी वर्क करा है किसी भी फील्ड में, तो मैं तो भाई बिल्कुल आपको 100% बता सकता हूँ कि उस फील्ड में जो आप उस फील्ड के राजा बन जाओगे, बिल्कुल उस फील्ड के आप जो किंग बनोगे बनोगे। और लिख के ले लो मेरे से, अगर आपने जो उसमें फुल क्वालिटी वर्क करा है और दूसरे से कुछ अलग करा है तो जिंदगी में। तो यही था एक शॉर्ट सा वीडियो। बहुत सारे लोग जो है एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं होते तो डिप्रेशन में आते हैं कि यार हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हम क्या करें, अब हम सुसाइड कर ले, हम क्या करें, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहते हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, देर इज नथिंग। लाइक इंडिया में क्या है एमबीबीएस का फोबिया बना हुआ है कि सिर्फ एमबीबीएस 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 बेस्ट एमबीबीएस। अब अगर फॉरेन कंट्रीज में जाके देखो तो वहाँ पे नर्सेस की एमबीबीएस डॉक्टर्स से ज़्यादा इज्जत होती है, और नर्सेस को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा जाता है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। तो देर इज नथिंग लाइक एमबीबीएस एमबीबीएस, जस्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ फोबिया इन द माइंड्स ऑफ पीपल। सो यही जो है हमको इंडिया में, हम जो यूथ है हमको यही जो फोबिया ये हटाना है दिमाग दिमाग से लोगों के, कि जो एमबीबीएस है हमको काफ़ी सारी राह है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। तो यही जो है हमको जो पाथ है वो एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इन्फाइनाइट पाथ है हमारे जो कोर्स है जो बायो हमने लिया है 12th में, तो उसके बाद हमारे पास इन्फाइनाइट जो चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है वो आप अपने स्किल सेट पर डिपेंड करके, और जो मैं अपना चैनल बनाया है मैंने इसलिए ही बनाया था कि आप लोग को ये जो जितने भी फील्ड हैं मैं आपको एक एक करके सब समझा पाऊँ, और कैसे कैसे जो आप अपने जो पाथ है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, और किस प्रकार से जो मैंने अपना जो पाथ बनाया है, और जिस प्रकार से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज रहेंगे आपके लिए, और कौन कौन से बेस्ट सैलरी पैकेजेस, और कैसे आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, ये भी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। तो मैं हर कोर्स पे डिटेल सीरीज बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं जरूर आपके लिए एक अच्छा सा सीरीज और पूरा एक स्किल सेट का जो एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच यार, जितना मेरा नॉलेज था मैंने उतना शेयर करा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी है यार भाई। एमबीबीएस वालों को भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत इन्फीरियर है या फिर कोई सुपीरियर है, मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ सॉरी, एंड अगर आपको लगता है कि आपका जो
नॉलेज है उसमें थोड़ा सा भी जो इनकी डिज़ायर है, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ लाइक करिए हमारी वीडियो को और शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।